नाउ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट आपको लास्ट से स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर, फर्स्ट पार्ट था आपका नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल नॉन फ्रैक्शनल पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 छोटे क्लास में आपको पढ़ाया जाता है 1 2 3 4 वो क्या सारा नेचुरल नंबर था, ठीक है। उसमें तो नेचुरल में कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता है, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता है, कोई फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर का सेट होता है। और जो काउंटिंग के लिए जिनका यूज होता है वो ऑल नंबर्स क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। डिनोटेड बाय कैपिटल, तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, किससे? कैपिटल एन से, ठीक है। तो एन जो है, एन जो सेट बन गया आपका 1 2 3 4 1, ठीक है। तो फिर से समझ लेते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं ऑल नॉन फ्रैक्शनल पॉजिटिव नंबर। तो नॉन फ्रैक्शनल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नॉन फ्रैक्शनल पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। नॉन फ्रैक्शनल पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके नॉन फ्रैक्शनल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो फ्रॉम 1 to 10 डिनोटेड बाय 1 to 10 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसको कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं, आप नोट कर लें। अब देखिए नेचुरल नंबर की कुछ खास बात भी होती है, कुछ इसकी क्वालिटी है। पहली क्वालिटी है सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल। यानी कोई भी टू नेचुरल नंबर का अगर सम करेंगे तो वो हमेशा नेचुरल आएगा, ठीक है। जैसे कि आपका 1 नेचुरल है, 2 नेचुरल, कितना है 3, इट इज आल्सो नेचुरल नंबर। जैसे आपका 3 है प्लस 4 है, कितना हो 7, 7 इज आल्सो नेचुरल नंबर। तो मीन्स आपका कहने का मतलब है कि अगर 2 नेचुरल नंबर का सम करते हैं तो ऑलवेज आपका कैसा आएगा? नेचुरल। सेकेंड, अगर हम डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर, ठीक है, तो डिफरेंस अगर करते हैं जो डिफरेंस आपको नेचुरल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन नेचुरल हो भी सकता है, मतलब कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। तो नॉट ऑलवेज नेचुरल, ठीक है, ऑलवेज नेचुरल नहीं होता है, तो ये आपका नेचुरल हो भी सकता है और नेचुरल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इट मे बी नेचुरल और नॉट, ये नेचुरल हो भी सकता है और नेचुरल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम 4 से 3 माइनस करते हैं तो 1 आया, इट इज अ नेचुरल नंबर। बट अगर हम 3 माइनस 4 करते हैं कितना आया? -1, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मीन्स कहने का मतलब है कि अगर डिफरेंस करते हैं दो नेचुरल नंबर का, डिफरेंस करते हैं, कोई भी टू नेचुरल नंबर लेते हैं उनका अगर डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस जो है वो आपका नेचुरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है कि नेचुरल ही होगा, ठीक है, और कंफर्म ये भी नहीं कि नेचुरल नहीं भी होगा, ठीक है। तो कंफर्म जो चीज नहीं होती है तो डिफरेंस इसका कंफर्म नहीं होता, नेचुरल है भी या नहीं भी है, बट सम ऑलवेज नेचुरल होता है, ठीक है। तो ये आपका है नेचुरल नंबर के बारे में, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको और कैलकुलेट समझ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि
फोन नंबर्स। नेक्स्ट क्या था आपका? फोन नंबर। फोन नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, फोन नंबर की बात करते हैं। फोन नंबर्स क्या होते हैं? इफ जीरो इज एडजॉइंट टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जीरो एडजॉइंट टू नेचुरल नंबर, देन द सेट इज कॉल्ड, सेट इज कॉल्ड होल नंबर। मीन्स कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए तो जो सेट होगा वो होल नंबर होगा। क्योंकि काउंटिंग जो हमेशा हमने आपको बताया था काउंटिंग जो टन से स्टार्ट होती है, तो काउंटिंग में जीरो नहीं आता कहीं भी। तो होल नंबर के अंदर क्या, हमने होल नंबर पर डायग्राम में देखे तो होल नंबर के अंदर दो नंबर आते हैं जीरो और नेचुरल, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है? जीरो और नेचुरल का कॉम्बिनेशन होता है। डिनोटेड वाइज इसको डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू। तो डब्ल्यू जो सेट होगा वो क्या होगा? हम ऐसे कर सकते हैं जीरो प्लस नेचुरल, ऐसा भी कर सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको डब्ल्यू इक्वल टू जीरो वन टू थ्री, ठीक है, ये बात हो गई। तो फोन नंबर भी क्या होगा? नेचुरल नंबर अगर एडवाइंट हो जाते हैं, एक जीरो एडवाइंट हो जाता है नेचुरल नंबर में, या नेचुरल नंबर जीरो के साथ एडवाइंट हो जाते हैं, दैन जो सेट बनेगा वो आपका हो जाता है होल नंबर। इसको डिनोटेट करते हैं डब्ल्यू से, सेट है डब्ल्यू जीरो प्लस नेचुरल नंबर का सेट, डब्ल्यू इक्वल टू जीरो वन टू थ्री, दोनों क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर के सेट, दोनों क्या है आपके नेचुरल नंबर, ठीक है, क्लियर। आप तो नोट कर लीजिएगा सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीजर्स की। हाँ, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? और नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आप नेचुरल नंबर्स, एंड जीरो, एंड जीरो, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, जो मिलकर कंबाइन होकर क्या बनाता है? ऑल नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। इनका जो सेट बनेगा उसको क्या कहेंगे? इंटीजर्स, ठीक है, डिनोटेड बाय जेड और आई। इंटीजर्स को हम जेड और आई से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं आपने, जो नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, नेगेटिव और नेचुरल नंबर नेगेटिव नंबर एंड जीरो, और जीरो इस साल जो पूरा सेट बनेगा उस सेट को क्या कहेंगे हम? इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर का जो सेट बनता है वो इस टाइप से होता है, इंटीजर दोनों टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, माइनस एन से स्टार्ट हुआ, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, फिर वन टू थ्री, ये सेट होता है आपका इंटीजर्स का, ठीक है। अब इंटीजर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है, आपके होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम जेड के ऊपर प्लस लगा के डिनोट करते हैं। कि कभी कभी क्या होता है आपको ध्यान देना है, कभी खाली जेड के ऊपर प्लस लगा होगा और जेड के ऊपर आई के ऊपर प्लस लगा होगा इस टाइप से, और आपका लिखा नहीं होगा नेगेटिव इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको बस आपको इसका मतलब है कि आपका पॉजिटिव इंटीजर के बिना, ठीक है, इसी टाइप से जो लिखे पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट होता है जेड प्लस का वो होता है आपका वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन।
उसका निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? तो निगेटिव इंटीजर्स को डिनोट करते हैं आई के ऊपर निगेटिव लगा के और जेड के ऊपर निगेटिव, ठीक है। ये आपका सेट जो है वो आपका है निगेटिव इंटीजर्स का, ठीक है। तो निगेटिव इंटीजर्स के ऊपर कभी कभी देखो आपको ध्यान रखना है कि अगर जेड के ऊपर माइनस लगा है या आई के ऊपर माइनस लगा है, दैट मीन इस सेट जो है वो आपका है निगेटिव इंटीजर्स का, ठीक है। लिखा नहीं हुआ है, जरूरी नहीं कि आपका निगेटिव इंटीजर लिखा हो, आपका खाली है देगा आई माइनस और आई जेड माइनस, तो आपको बस आइडेंटिटी करना है कि आई माइनस मीन्स या जेड माइनस मीन्स इट इज अ सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। कैसे आपका स्टार्ट होता है माइनस एन से लेके माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, ठीक है। अब देखो देखने वाली बात क्या है, देखो फर्स्ट वाले सेट में यहाँ देखिए पूरा सेट जो था उसमें जीरो लिखा, यहाँ देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स अलग हो गए निगेटिव इंटीजर्स अलग हो गए। अब जीरो किसमें आता है, बात ये होती है कि जीरो किसमें आता है, अब जीरो कहाँ चला जाता है। तो जीरो के लिए आप एक चीज समझते हैं, ठीक है। दो सेट होते हैं मेन जो उसके होते हैं, एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होते उसका सेट। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर का सेट कौन सा होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर का सेट हो गया नेगेटिव वाले सारे हो गए माइनस एन से माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे दूसरा सेट होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। जो नेगेटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव का जो नेगेटिव नहीं है मतलब पॉजिटिव वाले हैं सारे। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में जो है वो आपका सेट जो बनता है नॉन नेगेटिव का, उस सेट के अंदर जीरो दिया था उससे आपका हुआ जीरो, ठीक है। बात सुन रहे, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आते ना सारे नेगेटिव नंबर आते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के साथ आपका जीरो भी आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के साथ। तो जीरो किसके साथ आता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर के साथ, ठीक है। तो इतना आपका इंटीजर के बारे में डिटेल है, आप लोग एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं शॉर्ट में देख लीजिए। नेचुरल नंबर्स का ऑल नेचुरल नंबर्स नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो का कॉम्बिनेशन आपका इंटीजर्स होता है, इसको हम डिनोट करते हैं जेड और आई से। जेड का मतलब है ये सारे आपके नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो के साथ जो मिलते हैं वो आपके इंटीजर्स बनते हैं। दो टाइप के इंटीजर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस या जेड प्लस से डिनोट करते हैं, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। निगेटिव को आई माइनस या जेड माइनस से डिनोट करते हैं, ये आप सारे निगेटिव इंटीजर। उसके बाद नॉन पॉजिटिव इंटीजर सेट होता है, उसके अंदर आपके सारे निगेटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव का होता है, उसके अंदर जीरो के साथ पॉजिटिव इंटीजर। इतना आपका इंटीजर्स के बारे में है, तो केयरफुली उसको नोट कर लेंगे।